स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ पर समाज विज्ञान का 7 मार्च के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपकी पूरी यहाँ पर सेट आ चुके हैं यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है। तो अब आपके यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल से एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का सेट ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। जाने वाले तो आपको इस वीडियो पूरा देखना। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपके सेट है यहाँ पर ए बी और सी और डी है, ठीक है। तो सभी सेट को आपके सेम आ रहे हैं, सभी सेटों में आपके बहुत 100 पीजे क्वेश्चन यहाँ पर सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। और आपके जो सेट में जो क्वेश्चन आए थे वो तो आपके सेम ही आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हमारे पास सेट आपका ए आ चुका बी, ठीक है, और यहाँ पर सी हमारे ऊपर रखा हुआ और डी आप यहाँ पर तेरा डी। तो फाइनली पूरी सेट आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर पूरी सेट आप देखने वाले हैं संपूर्ण हल सहित। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर रहते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023 डी सामाजिक विज्ञान आपका मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। और आप यहाँ पर रहते हैं ए राई आपकी निर्देश पढ़ लीजिएगा। और स्टूडेंट आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो सेट सी का पेपर है तो यही क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेट ए में रहने वाले, बी में रहेंगे, यही आपके डी में रहेंगे, ठीक है, यानी आपके सेम क्वेश्चन ही रहेंगे। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हम इस वीडियो में आपके यहाँ पर जो सेट सी है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इस वीडियो में आपका सेट सी देखने वाले हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि आपके सेट ए बी और यहाँ पर डी, ठीक है, आपके सभी सेटों में वो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सेट यहाँ पर बी के स्टूडेंट हो, अगर यहाँ पर डी के, तो ठीक है, आपको भी यही पेपर देखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस रहने वाला। साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका 300 रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट कोड आपका 300 रहेगा। तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम पूरा संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा इस पेपर का। तो आप देखते हो बेफसल जो बरसात ऋतु के आराम में बोई जाती है निम्न में से क्या कहलाती हैं, यहाँ पर रबी फसल या खरीफ, जायद फसल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बे फसल जो बरसात ऋतु के आराम में बोई जाती है निम्न में से क्या कहलाती हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। खरीफ होने वाला पाली कब्बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा कच्चे माल का, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5। तो यहाँ पर कच्चे माल का, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। पहले दूसरे का आपका यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है, इसका आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। और आपको यहाँ पर अच्छी तरह सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर रट लेने, ठीक है, इसी वीडियो में आपको पूरे ऑब्जेक्ट याद कर लेने हैं। और चौथा आता सूरत बंदर किस राज्य में स्थित है, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात, ठीक है। तो सूरत बंदर किस राज्य में स्थित है, तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, ठीक है। चौथे का आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या, राजतंत्र है, समानता, भाईचारा, शासन चलाना, निर्गुण शासन। तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या, इसका आपका हो जाएगा समानता व भाईचारा, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद करते जाइए। फिर आपका छठवां आता है, आप यहाँ पर छठवां देते हैं पालर पानी कहा जाता है, भूमिगत जल को, वर्षा जल को, समुद्री जल को, नाली का पानी। तो आपका पालर पानी कहा जाता है भूमिगत जल को। तो यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक करते जाना, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए बताया सब बा है तो आपको बी से कर देना है, जैसे हमने सा बताया तो आपको सी से यहाँ पर आंसर लगा लेना, ठीक है। हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर स्क्रीन शॉट घालते जाएँ, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देखते रेगिस्तान आते हैं, क्वेश्चन 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो स्टूडेंट चलिए आपको दिखा देते हैं जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है इसका जो आंसर आएगा। पहला रेगिस्तान में आपको क्या भरना है, तो स्टूडेंट आपको पहले रेगिस्तान भरना मासीराम, ठीक है। पहले रेगिस्तान आपको मासीराम भर देना है, आपका पहले रेगिस्तान में हो जाएगा, ठीक है आंसर। अब दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा आता जल परिवहन देश का सबसे डोनर परिवहन का साधन है, ठीक है। तो यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, ठीक है, सस्ता आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान हो जाएगा, सस्ता होने वाला आपका दूसरे रेगिस्तान में। फिर आपका तीसरा आता यहाँ पर तीसरे भारत छोड़ो आंदोलन डॉट डॉट में शुरू हुआ था, तो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। और आपका यहाँ पर चौथा आता, चौथा आप यहाँ जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं, तो चौथे का आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता हो जाएगा चौथे का आंसर, तो याद करते जाइए। फिर आपका पांचवा आता तृतीय, सॉरी आपका पांचवा आता लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, तो यहाँ पर जो लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है वो चुनी जाती है यहाँ पर जनता द्वारा, ठीक है। आपका यहाँ पर पांचवें का आंसर हो जाएगा जनता द्वारा। और फिर आपको छठवां देखा, छठवां आपका आता तृतीय क्षेत्र को डोंडो क्षेत्र भी कहते हैं,
तो 6वें में आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 6वें में आपको हो जाएगा सेवा, सेवा होने वाला। तो ये रहा आपका एक सोल्यूशन। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपको यहाँ पर इसे इंग्लिश में लिख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक सोल्यूशन स्क्रीनशॉट आप घाल सकते हो। अब चलिए आपके यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है आप यहाँ पर इतने फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से जो स्क्रीन शॉट है वो घालते जाना है, आपको पूरा पेपर के यहाँ पर स्क्रीन शॉट घाल लेना, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। तो स्क्रीन शॉट घाल लीजिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। फिर आपकी 6 नंबर की आती है सयोड़ी, कॉलम आ ओबा में आपके यहाँ पर सयोड़ी दी गई। पहले आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो इसको मैच कर देना आपको किससे, कपड़ा से। और दूसरी आती है बेंगलुरु, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से। और तीसरी आती है गोल्ड मेज सम्मेलन, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर लंदन से। और चौथा आता मानव विकास, तो आपकी चौथी सहयोगी मानव विकास, इसको मैच कर दीजिए आप UNDP से। और पांचवी आती है वाणिज्य, तो वाणिज्य को मैच करना आपको राजसूची से। और जो 6वीं आती है प्राकृतिक पत्तन, इसको मैच कर दिया मुंबई से। तो स्टूडेंट देख लीजिए अच्छी तरह से किस तरह से मैच करना, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर की आपकी सहयोगी, तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर देखते स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए अच्छी तरह से, और यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए। फिर आपको प्रश्न चौथा आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपके 6 नंबर के से एक शब्द में उत्तर आते हैं। तो पहला आपका आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो पहला आप जो पहले का आपका आंसर रहेगा वो आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर पहले का आंसर आपको हो जाएगा जूट को, ठीक है। जूट यहाँ पर जो जो रहते जूट फसल उसी को यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब चलिए दूसरे का आंसर, आप जो दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों वर्गों बांटा गया है वो यहाँ पर 4 वर्गों में, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्गों में, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है विचारधारा का आशय समझाइए। तो जो विचारधारा का आशय होता है इसका जो आंसर है आपको दिखा देते हैं। तो आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा राजनीति सिद्धांत रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित अन्य विचारों का समुच्चय है, ठीक है। आपका यहाँ पर विचारधारा का आशय हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा आप। चलिए देख लेते हैं, तो आपका यहाँ पर आता है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथा आपका हो जाएगा 1928 में, जो साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 में आया था। और फिर आपका आता भारत में किस प्रकार शासन प्रणाली है। तो जो भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक, ठीक है, भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और जो 6वां है मुद्रा किसे कहते हैं, तो आपकी मुद्रा यहाँ पर वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, इसे ही मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आपके यहाँ पर सत्य असत्य देख लेते हैं। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो यहाँ पर स्क्रीन शॉट घाल लें। फिर आपके सत्य असत्य आते हैं, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आता अब्दुल गफ्फर खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और चौथा आता लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। पाँचवा आता लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा बाधक है, ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा पाँचवा। और 6वां आता है केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना, इसका आंसर सभी को देना है कि सत्य की असत्य, ठीक है। जो 6वां है आपका ये बताना है कि सत्य की असत्य। और जो आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन वो दिखा देते हैं, ये रहा आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन। पहला आपका सत्य रहेगा, और दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य रहेगा, 6वां आपको सभी को बताना कि सत्य की असत्य, ठीक है। तो हमने आपके सत्य असत्य भी करा दिए हैं, साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। और चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पर दो हमने आपको बता दिए, 4 आपके यहाँ पर दिए, तो स्क्रीन शॉट घाल सकते हो आप। क्वेश्चन 6 आता है, क्वेश्चन भी हम पूरे कंप्लीट करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन सहित। तो आपको यहाँ पर ध्यान सुनना और देखना पूरी, और आपको यहाँ पर पूरा पेपर हट के जाना है, तभी अच्छे मार्क्स ला पाओगे आप समाज विज्ञान के पेपर में। तो आप यहाँ संसाधन किसे कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं आपका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो, हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे और दूसरा का आंसर आपको खुद ढूंढना है, खुद याद करना है। और दूसरा 7वां आता काली मिट्टी की 2 विशेषता लिखिए, अथवा आता जड़ मैदा की 2 विशेषता लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर आती है काली मिट्टी की, आपको यहाँ पर 2 विशेषता लिखनी है, तो ये रही आपकी काली मिट्टी की यहाँ पर 2 विशेषताएँ। तो जल्दी से जो स्क्रीन शॉट है आप यहाँ पर घाल लीजिए। अब आपके यहाँ पर अथवा आता, सॉरी आपका अथवा का आपको खुद करना, 8वां आता रवि और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए। आपको 2 नंबर का अथवा आता कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अथवा आता कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए,
तो ये रहा आपका यहाँ पर आंसर है कृषि पर आधारित दो उद्योग। तो यहाँ पर आप देखते हैं शक्कर उद्योग व कपड़ा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है नौवां क्वेश्चन, भारत में लघु उद्योग के वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी दुनिया का अथवा आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है प्रश्न नौवां जो नौवीं का आपका अथवा कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल सकते हो। फिर आपका दसवां आता है भारत में किन वस्तुओं का आयात प्रमुख रूप से होता है अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया दसवीं का अथवा आप यहाँ पर देते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, तो ए रहा उसका आंसर। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है आप ले लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं इसका आंसर हमने दे दिया। तो हमने आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो दस था वो करा दिया और दसवीं का अथवा आप यहाँ पर दसवीं का हमने जो अथवा उसका करा दिया। आपका ग्यारह क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्यारहवें क्वेश्चन आते थे देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चली गई और अथवा डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ग्यारहवीं का अथवा डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है, ठीक है, उसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देते डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है, ये रहा उसका आंसर। तो फटाफट से स्क्रीन शॉट उठा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपका आता ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाली करों का केंद्र कहाँ था अथवा आता आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कारों का केंद्र कहाँ था। तो यहाँ से आपका आंसर जो स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म होता है। तो लीजिए स्क्रीन शॉट उठा लीजिए। तो हमने इसका आंसर भी आपका करा दिया। और फिर आपका यहाँ पर आता है इंग्लैंड का कौन सा नगर अच्छे माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था और अथवा आप देख लीजिए। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन आप हमने करा दिए। चंद्रों क्वेश्चन था भारत में पुनर्जागरण का अनुभव पिता कौन थे अथवा था मुद्रण क्रांति से आपके समझते हैं। पंद्रवा था विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ अथवा था बुड ब्लॉक क्या एवं किस देश से संबंधित था। तो जो स्टूडेंट इसका आंसर वो हम आपके कराने वाले हैं। आपसे वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको सोलवा आता मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, ठीक है, इसका अथवा आप देख लेते हैं सोलहवें का। तो आपका ये रहा सोलहवें का अथवा सकल घरेलू उत्पाद की शिकायत है। और सातवां आता स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था अथवा आता संबंधित विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पर्श कीजिए। और अठारहवां क्वेश्चन है परिस्थिति तंत्र क्या, वन परिस्थिति तंत्र की उपयोगिता बताइए अथवा आता वन में भारत में वन संरक्षण के कोई तीन उपाय लिखिए। और 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन शॉट घाल लीजिए। और 19वें का अथवा संगात्मक समय व्यवस्था की तीन विशेषताएँ बताइए। और आपका 20वां क्वेश्चन आता है ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए अथवा देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर लेते और 21वें का अथवा आता जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है समझाइए। और आपका 22वां आता कोयले की निर्माण प्रक्रिया वर्णन करते हुए इसके इनके प्रकार का वर्णन कीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वां क्वेश्चन है और ये आपका 22वें का अथवा है। तो फाइनली पूरा भी आपका करा दिया। और स्टूडेंट जो आपके हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कराया उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।